बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, जहाँ कहीं भी हैं खुश रहें, आबाद रहें। आज की हमारी जो वीडियो है वो है प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में और उन स्टूडेंट्स के बारे में। बहुत ही ऑसम होने वाली है वीडियो, जो कि प्रोडक्ट हंटिंग पे आके स्किप कर जाते हैं अपने बीए के कोर्स को, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो इज़ आ लॉन्ग प्रोसेस एंड अ बोरिंग आल्सो, क्योंकि बहुत से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, तो वो बोर हो जाते हैं प्रोडक्ट हंट करते करते। तो उनको प्रोडक्ट हंट नहीं कर पाते हैं तो क्या करते हैं कि वो स्टक ऑफ हो जाते हैं। लेकिन ये कि हमने इसको बहुत ही लाइटली वे में उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने अपनी वीडियो क्रिएट की है आपको, ताकि समझ आ सके। यहाँ इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हम प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे हमने डिफरेंट आइडियाज़ जो है वो हमने लेके आने हैं और कैसे हमने प्रोडक्ट के कीवर्ड्स को तलाश करना है और फिर उसको किस तरह से हमने एक प्रोडक्ट को, अपनी विनिंग प्रोडक्ट को हंट करना है। अच्छा, यहाँ पर हम देख लेते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग देखेंगे हम, टूल्स देखेंगे हमें कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, अवॉइडेड प्रोडक्ट्स देखेंगे, गेटेड कैटेगरीज देखेंगे, टॉप ये सब कुछ हम देखेंगे इस ही वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं इन सिंपल वर्ड्स। अगर हम अगर कोई आपसे पूछता है कि एक प्रोडक्ट हंटिंग की एक जो है वो डेफिनेशन क्या है, तो आप उसको यूं बयान कर सकते हैं कि इन सिंपल वर्ड्स, सर्च फॉर अ प्रोडक्ट दैट यू कैन गेट फॉर चीप एंड येट सेल फॉर कम्पिटेटिव प्राइसेस विद अ गुड प्रॉफिट मार्जिन। मतलब ऐसी प्रोडक्ट जो कि आप जो है वो ऐसे सिंपल यानी आसान अल्फाज जो हैं वो, जो आप एक प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं और एक उस उनको यूज़ करके आप एक सस्ती और अपनी कॉम्पिटेटिव की प्राइसेस से जो है वो उसके साथ एनालिसिस करती हुई या मैच करती हुई जो है वो आप एक प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं जो कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी दे रही होती है, ठीक है ना। ये हमारी प्रोडक्ट हंटिंग की डेफिनेशन अगर हम करना चाहें तो ये होगी। और हमारी इसके लिए, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हमें डिमांड हाई होनी चाहिए, सप्लाई लो होना चाहिए, तो ही हम विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकेंगे। टूल्स जो हमें रिक्वायर्ड होंगे वो मैनी टूल्स इन द मार्केट बट एनेबलर्स रिकमेंडेड, जो काफ़ी सारे टूल्स हैं, लेकिन जो है वो हम यहाँ पर अब और ज़्यादा अपनी बहस को, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। जस्ट आप जंगल स्काउट एंड हीलियम 10 को यूज़ करेंगे हम, वो भी करेंगे नॉट टूडे, आज नहीं कर रहे हैं। आज जस्ट आपको मैं अब इनके आइडियाज़ दूँगी कीवर्ड्स के, आपने किस तरह से आइडियाज़ लेने हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। अब यहाँ ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रोडक्ट जिनके जिनको जो है वो हमें अवॉइड करना चाहिए वो कौन कौन सी हैं। जी यहाँ पर हैं ओवर साइज प्रोडक्ट हैं वो, उनसे हमें अवॉइड करना चाहिए, मतलब 18 इंच से ग्रेटर देन नहीं होनी चाहिए हमारी प्रोडक्ट, ठीक है। और नेक्स्ट पे है इजी ब्रेकेबल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जिस तरह से शीशे की प्रोडक्ट्स होती हैं, शीशे की ग्लास वगैरह हो गए, कप्स हो गए, इस तरह से। और हैजमेट हमारे पास प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे कि जो कि कैन की कैच फायर इजीली, जो जिनको मतलब कि आग जो है वो जल्दी से पकड़ सकती है, गैसेस वगैरह हो गई, ठीक है, और परफ्यूम्स हो गए, इस तरह से। अच्छा, आगे है बैटरीज जो है वो ऐसी हमने प्रोडक्ट्स से भी अवॉइड करना है जो कि मल्टीपल वेरिएशन रखती हों, ठीक है। मतलब एक प्रोडक्ट है उसके काफ़ी सारे साइजेस में वो अवेलेबल होती है और उसके डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, ये सारी इसकी वेरिएशंस हो जाती हैं विच कैन क्रिएट मैनी डिफ़िकल्टीज इन आवर कह लें कि आप हमारी प्रोडक्ट्स में, फिर शिपमेंट में, फिर अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम होता है फिर क्या होता है कि ऑर्डर्स वापस आ जाते हैं और फिर जो है वो क्लेम कर देते हैं हमारे कस्टमर्स। तो इस तरह से हमें इस तरह की प्रोडक्ट को चूज़ करते वक्त जो है वो अवॉइड करना चाहिए। आगे वीपन्स रिलेटेड जो होती हैं, जो पैटर्न होती हैं, ठीक है, जिन पे पैटर्न लगा होता है, उनसे भी जो है वो हमें अवॉइड करना होता है। अब नेक्स्ट आपको लेके चलती हूँ मैं अमेज़ॉन पेज पे। यहाँ पे हम अपना अमेज़ॉन पेज जो है वो, ठीक है, ओपन करेंगे। जी यहाँ पर मैंने अपना अमेज़ॉन पेज जो है वो हमने ओपन करना है। सबसे बड़ी जो मेन जो है वो गलती कर रहे होते हैं हमारे स्टूडेंट्स, वो क्या होती है, वो ये होती है कि जब हम कि प्रोडक्ट जो है वो फॉर एग्जांपल यूके के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो
तो यहाँ पर उन्होंने डिलीवर टू जो है वो यूएसए का एड्रेस जो है वो यहाँ पे शो हो रहा होता है, और जो प्रोडक्ट जो है वो यूके के लिए हो रही होती है। मतलब कि आपने ये जहन में रखना है जो प्रोडक्ट आपने जिस भी मार्केट प्लेस के लिए आपने प्रोडक्ट सेल कर हंट करनी है उसी उसी मार्केट का जो है वो आपको यहाँ पर एड्रेस है वो शो होना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर अबर्न का किया हुआ है, यहाँ पर हमारे यूएसए का मेरे पास है, यूएसए के लिए हम यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट कर लें, और ये हमारी जो वेबसाइट है अमेज़ॉन का पेज जो है वो यूएसए मार्केट के रिलेटेड जो है वो मुझे ये यहाँ पे शो कर रहा है सारा डेटा। मतलब ये जो सारी प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केट के मतलब अकॉर्डिंग है, ठीक है, अकॉर्डिंगली है। तो इसी लिए आपने अपनी एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी मार्केट जो है वो करेक्टली चूज़ करनी है। उसके बाद आपने जस्ट ये देखना है, अच्छा कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी वर्ड आ रहा है, कोई भी शूज़ आ रहे हैं, शर्ट्स आ रही हैं, कुछ भी आपके माइंड में आ रहा है ना, तो आपने वो कीवर्ड यहाँ पर जो है वो सर्च करते हैं। चलें यहाँ पर आप कोई भी वर्ड जो है वो सर्च कर लें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कर लेती हूँ बेबी, ठीक है। यहाँ पे मैंने बेबी लिखा, अब देखिए मैंने जस्ट एक जो है वो वर्ड कीवर्ड लिखा है। अब मुझे अमेज़ॉन ये जो है वो इतने सारे वर्ड्स, इतने सारे कीवर्ड्स मुझे और प्रोडक्ट्स हैं वो इस लिस्ट में दिखा रहा है। ये भी हमारी यहाँ से भी हमने अपने आइडियाज़ लेने होते हैं कि लोग किन चीज़ों को सर्च कर रहे हैं। ये बेसिकली क्या चीज़ हैं, ये अमेज़ॉन जो है वो रैंकिंग के हिसाब से हमें ये दिखा देता है कि लोग इनको भी सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। हम कोई भी एक वर्ड यहाँ पे लिखते हैं तो वो नेक्स्ट वर्ड जो है वो हमें यहाँ पे शो होना शुरू हो जाता है। वो ये शो कर रहा होता है कि इस वर्ड के साथ ये वर्ड लगा के भी जो है वो काफ़ी सारे लोग इन चीज़ों को भी जो है वो सर्च कर रहे हैं। तो ये हमारे कीवर्ड जो है वो सर्चिंग पे मतलब सर्च किए हुए ज़्यादा मतलब बहुत से लोगों ने, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम बेबी वाइप्स कर लें, बेबी मॉनिटर कर लें, बेबी गेट कर लें, क्या है देखिए कितने प्रोडक्ट्स हैं। अब बेबी वॉकर है, बेबी गर्ल क्लॉथ्स हैं, बेबी कैरियर है, अच्छा अब कोई से भी आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब ये देखिए फॉर एग्जांपल वॉकर कर लेते हैं, कैरियर कर लेते हैं, ओके कैरियर कर लेते हैं। यहाँ से हम ये नहीं करना था, अच्छा बेबी कैरियर के नेक्स्ट, अच्छा आपका ये भी ध्यान में रखना होता है कीवर्ड जो है वो आपका सॉरी स्मॉल कीवर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब आपका कीवर्ड जो है वो थ्री टू टू फोर कीवर्ड्स हमारे यूज़ हुए हों तो जो है वो अच्छा होता है कीवर्ड कैरियर। अच्छा नेक्स्ट करेंगे तो देखें यहाँ पर भी हमारे पास काफ़ी सारे शो होने लगे हैं। आप देखें बेबी कैरियर स्लिंग है, बेबी कैरियर फॉर मेन है, बेबी कैरियर कवर है विद हिप सीट है एंड बैकअप है, न्यू बॉर्न है, न्यू बॉर्न टोल्डर है, और ये सारे के सारे क्या हैं, बेबी कैरियर शर्ट्स हैं। अच्छा ये हमें शो ऑफ करा रहे हैं कि लोग इनको भी सर्च कर रहे हैं। अब यहाँ से भी हमने मल्टीपल कोई सा भी हम लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ले लें, ठीक है जी, यहाँ से हम कोई भी एक प्रोडक्ट ये देखें लेंगे, जो भी आपको अच्छी लगती है, जो आपको पसंद आई। ये फॉर एग्जांपल मैंने प्रोडक्ट ली है, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट की जो है वो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको जाएंगे जाके हम अपना जंगल स्काउट में या हीलियम 10 में हम इसको रखेंगे और इसकी सारी जो है वो अपनी क्राइटेरिया के हिसाब से इसको मैच कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक क्राइटेरिया के हिसाब से हम इसको मैच करेंगे जब जी हमने इसका क्राइटेरिया मैच कर लेना होता है, ठीक है। और अगर तो ये हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतर रही है तो हम इसको जो है वो क्या करेंगे, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसका हमने ये देखना होता है इसकी प्राइस, ये काफ़ी नहीं प्राइस इसकी ज़्यादा है, ठीक है, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। आगे हम जो है वो देखिए हमारे पास, मैं आपको समझाने का मतलब मेरा ये था कि
आपने यहाँ पर देखें 3 to 4, 4 to 5 जो है वो कीवर्ड्स भी यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हमने सिलेक्ट किया, तो ये देखें ये हमारे पास शो करा रहे हैं, ठीक है, काफ़ी सारे जी। ये देखें, ये एक तो हमारे पास तरीका होता है, ठीक है, प्रोडक्ट को के कीवर्ड्स को रिसर्च करने का। मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि हमें सॉरी आइडियाज़ ही नहीं मिल रहे हैं कि हम कीवर्ड कहाँ से लें, कौन सी प्रोडक्ट हैं। बस वो क्या करते हैं कि मेन आइडियाज़ ले लेते हैं, शूज़ देख लिए, सनग्लासेस देख लिए, आइसक्रीम स्कूप्स देख लिए, और इस तरह से काफ़ी प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। लेकिन मतलब मेन जो कि बहुत से लोग करें जिनमें कोई कॉम्पिटिशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो आपने इस तरह से कीवर्ड, एक तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट, अब दूसरा स्टेप जो है वो बेस्ट सेलर्स पे जाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पे हम बेस्ट सेलर्स पे जाएंगे, बेस्ट सेलर्स पे जाएंगे तो हमें क्या होगा, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बेस्ट सेलर्स हमें सब खुल गए हैं, ठीक है। बेस्ट सेलर्स इन बेबी में, ये बेबी आइटम्स आ गई हैं हमारे पास, ठीक है। पैम्पर्स हैं, ये हैं, और आगे बेस्ट सेलर्स इन क्लॉथिंग, शूज़ एंड ज्वेलरी में। अच्छा, ये बेबीज़ प्रोडक्ट में हमारे पास बेस्ट सेलर्स आ गए हैं, ये देखें। ये अमेज़ोन ने खुद रैंक किए होते हैं अकॉर्डिंगली टू देयर व्यूज़, रिव्यूज़ एंड रेवेन्यूज़ वगैरह के हिसाब से उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस की होती हैं। इसके अकॉर्डिंगली वो जो है वो उनको बेस्ट सेलर्स का जो है वो खिताब दे देते हैं, मतलब कि रैंक 1 पे, फर्स्ट नंबर पे देखें आ रहा है, ये सेकंड पे आ रहा है, ये थर्ड पे आ रहा है, ये वाला बंदा फोर्थ पे आ रहा है, ठीक है। मतलब पैम्पर्स हमारा, वाइप्स जो है वो फर्स्ट पे है। अच्छा, यहाँ से हमने बेस्ट सेलर्स देखने होते हैं कि ये कौन कौन सी चीज़ें जो है वो बेच रहे हैं। अगर हम इनको देख लें, ये देखें, ठीक है, हम इसी तरह से देखेंगे बेस्ट सेलर्स कौन कौन से। ये देखें नंबर 12 पे है, फिर ये देखें हमारे पास नंबर 15 पे ये बंदा जो है वो बेबी बॉटल जो है वो कोमोटोमो बेबी बॉटल जो है वो ये वाला आई थिंक ये कोई फीडर टाइप की चीज़ है, बॉटल है या कोई वाटर वाली, ये बेच रहा है। अच्छा, इस तरह से हमने यहाँ पे जो है वो चेकआउट करना होता है, ठीक है। अच्छा, ये हमें दे रहा है यहाँ पर 20 तक बेस्ट सेलर्स दे रहा है इस बेबी प्रोडक्ट्स में, कि बच्चों की प्रोडक्ट्स में ये 20 सेलर्स जो हैं वो बहुत अच्छी चीज़ें जो है वो बेच रहे हैं। यहाँ से हमने आइडियाज़ लेने होते हैं। अभी देखें आप, ये देखें यहाँ पे वो दिखा रहा है बेस्ट सेलर्स एंड क्लोथिंग एंड शूज़ एंड ज्वेलरीज में, आप ये देखें, ठीक है। यहाँ पर भी हमें रिज़ल्ट शो हो रहे हैं, ये है, ये शर्ट्स हैं, ये भी शर्ट्स हैं, ये भी ये हमारे पास शूज़ हैं वुमेन क्लासिक क्लॉग्स के नाम से, ठीक है। फिर इसी तरह से ये नंबर 6 पे आ रही हैं, ये वाला बंदा जो है वो शर्ट्स जो, और ये 5 पे है, ठीक है, वुमेन की समर क्लोथिंग है हमारे पास। और इसी तरह से यहाँ से हम भी अपनी प्रोडक्ट का जो है वो थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं ज़रा, ये देखें, अब आप देखें यहाँ पे कितने सारे वो रिज़ल्ट हमें शो कर देगा, मतलब कि हंड्रेड्स थाउजेंड्स के हिसाब से ना, ठीक है। और ये हमारे पास डील्स हैं, डील्स इन मैगजीन सब्सक्रिप्शंस, और ये डील्स से भी हमें काफ़ी आइडियाज़ मिल रहे होते हैं, उनको भी देखेंगे हम। अच्छा, ये देखें यहाँ पर हमें ये देखें, ये बेस्ट सेलर्स हैं इन ऑफिस प्रोडक्ट्स में कौन कौन से। अब यहाँ से आप कितनी प्रोडक्ट्स हैं इनको आप देख लें, किसी एक को चूज़ कर लें, उसको जंगल स्काउट उसको पे रन करें जाके, और उसको चेक करें कि आया कि ये हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतर है कि नहीं। नहीं उतर रहा तो, अगर उतर रहा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर उसको स्किप करें, कोई और प्रोडक्ट उठा लें, ठीक है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है थोड़ा सा, मतलब लेकिन अगर आपके पास कीवर्ड आइडियाज़ आ रहे हैं, आपको पता चल रहा है हमने कहाँ कहाँ से अपना जो है वो कीवर्ड अपने ढूंढने हैं, तो दिस इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। ओके, एक तो ये हो गया बेस्ट सेलर्स को हमने देखना, तो फिर हमने बेस्ट सेलर्स को देखने के बाद उनकी जो है वो रिव्यूज़ को चेक करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है, ये कस्टमर रिव्यूज़ हमारे पास जो आ रहे हैं,
यहाँ से भी हम काफ़ी सारे आइडियाज़ जो हैं जनरेट कर सकते हैं अबाउट प्रोडक्ट हंटिंग, क्योंकि वो ये होता है कि अच्छा देखिए फॉर एग्जांपल ये एक बंदा है चले मार्ले एल, ये एक नाम से है ठीक है, वॉज अ फेथफुल यूज़र अंटिल आई ट्राइड देम माई सेल्फ, ठीक है, आई हैव बीन यूजिंग द वाइप्स फ्रॉम अमेजोन फॉर अ वाइल नाउ ओवर अ ईयर। अच्छा यहाँ पर इसने एक अपना रिव्यू छोड़ा हुआ है ठीक है, और अच्छा हम इसको चेकआउट करेंगे इस बंदे को ठीक है, कि इसने ये जो है मार्ले एल के नाम से एक बंदा है इसकी प्रोफाइल देखते हैं कि इसने जो है वो किस किस चीज़ को पे और भी रिव्यूज़ दिए। ये देखें ये इसको अब हम इसकी प्रोफाइल खोलेंगे ना तो हमें यहाँ पर इसकी प्रोफाइल में ये शो होना शुरू हो जाएगा कि इसने और भी इसके अलावा और भी कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से ख़रीदी हैं ठीक है, बेबी डायपर्स हो गए और क्या हो गया यहाँ पर इसने ये है ट्विस्ट माउंटेन ये है कॉम्पेटिबल ठीक है, ये हो गया बेबी कैमरा हो गया, इस तरह ये हमें ये यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि इसने बाकी प्रोडक्ट्स पे भी अपने रिव्यूज़ दिए हुए हैं ठीक है। तो इन प्रोडक्ट्स को भी आप देख सकते हैं कि ये आया कि अब इस तरह से जैसे ये बेबी कैमरा है यहाँ से हम आइडियाज़ ले सकते हैं ठीक है, ये वाला कि इस तरह से यहाँ से भी हमें प्रोडक्ट के आइडियाज़ हैं वो मिल सकते हैं कि हमने डिफरेंट जो है वो रिव्यूज़ को चेक करते हुए हम आइडियाज़ अपने गेट करेंगे ठीक है। और नेक्स्ट पे जो है वो अगर हम यहाँ पे टुडेज़ डील हैं हमारे पास, उनको भी देखते हुए हम अपने कीवर्ड प्रोडक्ट को हंट करने में हमें काफ़ी सारी मदद जो है वो मिलती है ठीक है। टुडेज़ डील में हमने देखनी होती है कि हमारी आज की जो हमारी जो डील्स हो रही हैं आज अमेज़ॉन जो है वो हमें जो डील प्रोवाइड कर रहा है ठीक है। ये देखें सिलिनम है यहाँ पर, ये को ब्यूटी प्रोडक्ट है ब्रोसॉन है, अच्छा ठीक है। ये देखिए ये सारी इन पे डील्स दी हुई होती हैं मतलब अमेज़ॉन ने ठीक है, और सेलर्स ने दी हुई होती हैं, फिर अमेज़ॉन ये शो करवा रहा होता है कि इन प्रोडक्ट्स को भी हम लेके देखेंगे कि मतलब फॉर एग्जांपल ये है इसको हम चूज़ कर लेते हैं, इसको देखते हैं अगर तो ये हमें देखें यहाँ पर इसकी ये डील है वो कह रहे हैं जी डील इसकी प्राइस $10 है, गेट फास्ट फ्री शिपिंग है विद अमेज़ॉन प्राइम एंड फ्री रिटर्न है, और ये उन्होंने डील दी और आप जी $3 वो कह रहे हैं कि आपको सेव होंगे 27% की उन्होंने यहाँ पर हमें डिस्काउंट दिया हुआ है। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जी क्लासिक 18 पैक अगर आप लोगे तो $16 के मिलेंगे आपको, अगर क्लासिक आप 8 पैक या लोगे इस डील के थ्रू लेंगे तो वो $10 के मिलेंगे, अगर जो है वो पास्टल आप 8 पैक्स लेंगे तो आपको $11 के मिलेंगे। तो यही है मतलब डील्स जो है वो आपको चेक यहाँ पे होती हैं, यहाँ से भी आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं कि आया ये देखिए काफ़ी सारी अब आपको नेक्स्ट खुलती जाएंगी इसी के रिलेटेड जो है ना प्रोडक्ट के रिलेटेड ठीक है। तो आपने इसी तरह से हंड्रेड्स जो हैं वो बल्कि 1000 के हिसाब से जो है वो हमारे पास यहाँ पर आइडियाज़ हम ले सकते हैं ठीक है। अब आज तक की वीडियो के लिए इतना ही, तकरीबन काफ़ी सारे आइडियाज़ आपको मिल चुके होंगे, इनको जाएं जंगल स्काउट बल्कि एक हमारी AMZ फ्री एक टूल है वो भी आप लोग जो है वो डाउनलोड कर लें ठीक है उससे, और अपने टूल्स को यूज़ करते हुए प्रोडक्ट को हंट करें ठीक है। और आज अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है मेरी वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर मोटिवेट कीजिएगा क्योंकि ताकि मैं नेक्स्ट आपके लिए मज़ीद वीडियो बना सकूं अकॉर्डिंग टू योर सजेशंस मैं वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगी, और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप यहाँ पे चैनल पे नए हैं तो। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।